नमस्कार। न्यूज डाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। अमरोहा में एकता समाज सेवा समिति ने समाज सेवी नौसाद के सहयोग से गरीबों को रजाई का वितरण किया है। पत्रकार विनीत अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि पूरा मामला अमरोहा नगर के मोहल्ला कुरेशी में अमरोहा की सामाजिक संस्था एकता समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने इलाके के रहने वाले समाज सेवी संस्था के सदस्य नौसाद के सहयोग से रजाइयों का वितरण किया है। गरीब लोगों तक रजाई पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। संस्था का लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 2200 लोगों तक उनके जरूरत के हिसाब से रजाई पहुँच जाए, जिसके लिए संस्था के प्रत्येक सदस्य के द्वारा लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो जरूरतमंद हैं। इस रजाई वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार विनीत अग्रवाल को बुलाया गया था, जिन्होंने अपने साथ में संस्था के अन्य साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को रजाई का वितरण किया। इस मौके पर संरक्षक मशरूर अहमद, हाजी जमील, एकता समाज सेवा समिति अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, कोषाध्यक्ष रईस अहमद, सचिव नौसाद, उपाध्यक्ष अफसर अली, नवाब वशीम आदि मौजूद रहे। नमस्कार। हाँ जी, जैसा कि आपने पूछा, मैं बता दूं आपको कि मोहल्ला कुरेशी मोहल्ला पड़ता है अमरोहा में, वहाँ पर एक सामाजिक संस्था है एकता समाज सेवा समिति, जो काफ़ी समय से चल रही है और मैं भी उसके साथ जब से वो बनी है उसके साथ फाउंडर मेंबर के रूप में हूँ। जब से वो खड़ी हुई है तब से उस संस्था के साथ हूँ। हमारे एक साथी भी थे गुड्डू भाई, जिनका इंतकाल हो चुका है, जो आज दुनिया में नहीं है। वो और हमारी पूरी टीम ने ये संस्था खड़ी की थी। इसके अध्यक्ष फिलहाल मोहम्मद आरिफ हैं। मोहम्मद आरिफ और उनकी टीम ने मिलकर के नौशाद के सहयोग से इस बार भी रजाई का वितरण कराया है। ये संस्था हर साल रजाइयों का वितरण कराती है। इस बार 20 लोगों को अभी हमने रजाई दी है और अभी हमारा प्लान है कि लगभग 200 लोगों तक, जरूरतमंदों तक ये रजाई का वितरण किया जाए। इसके लिए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी संस्था के जितने भी लोग हैं हमारी संस्था के, वो सब लोग जरूरतमंदों तक ही रजाई पहुँचाएंगे। ऐसे लोगों को रजाई नहीं देंगे जिनको ज़रूरत ना हो। और सौभाग्य की बात मेरे लिए भी ये रही है कि इस बार इस कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है वो मैं रहा हूँ। पत्रकार विनीत अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस संस्था के सहयोगी हैं, संस्था के चालक हैं और संस्था के संचालक हैं। तो देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज नाइन नेटवर्क पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।